प्रयागराज जिले के बहरिया ब्लॉक से बड़ी खबर। आरओ एवं एसडीएम ने मनमानी तरीके से जीते हुए जिला पंचायत सदस्य को हराया। 3 दिन तक चली वोटों की गिनती के बाद लगभग 450 वोट से जीते हुए प्रत्याशी को गलत तरीके से हरवाने का मामला आया सामने। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज जिले के बहरिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 3 की, जहां से बैकवर्ड महिला सीट होने के कारण सूरज यादव अपनी माता जी को चुनाव लड़वाए और क्षेत्र की जनता में पिछले 5 वर्षों में अपना विश्वास बनाया, जिसके बदौलत सूरज यादव चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किए और मतगणना स्थल पर 3 दिन गिनती के दौरान बिना सोए अपनी काउंटिंग करवाए और चुनाव लगभग 450 वोट से जीते। उससे जो प्रत्याशी पीछे रहे उन्होंने भी सूरज यादव को जीत की बधाई दी। फिर उसके बाद आरओ साहब ने सूरज यादव से कहा कि सभी कर्मचारी अभी चले गए, आप सुबह आइए। जब सूरज यादव ने कहा कि सर कौन प्रथम श्रेणी में है उसे बताएं, तो आरओ साहब ने कर्मचारियों का बहाना लेकर सुबह आने को कहा। जब प्रत्याशी सूरज यादव सुबह गया तो उसे सुबह से शाम तक बैठाया गया और देर शाम उसे हारा घोषित कर दिया गया, जिससे इलेक्शन कमीशन पर बड़ा सवाल खड़े होने लगे। जैसे सवाल नंबर 1, जब वोट की गिनती पूरी नहीं हुई तो कर्मचारियों को जाने क्यों दिया। सवाल नंबर 2, जब प्रत्याशी ने आरओ साहब से पूछा कि अभी प्रथम श्रेणी में कौन है तो क्यों नहीं बताया गया। सवाल नंबर 3, सब प्रत्याशी सुबह पहुंचे तो सुबह से शाम तक क्यों बैठाया गया। सवाल नंबर 4, जो प्रत्याशी 3 दिन की वोट गिनती में टॉप 5 की श्रेणी में भी नहीं रहा, वह अचानक चुनाव कैसे जीत गया। यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लोकतंत्र चुनाव आयोग और आरओ व एसडीएम को भी कटघरे में खड़े करते हैं। क्या कुछ हुआ मतगणना स्थल पर, सुनिए पीड़ित प्रत्याशी की कहानी उसी की जुबानी। सूरज यादव जी, आप चुनाव लड़े हुए थे जिला पंचायत का, जनता ने जो बताया और आपके समर्थकों ने जो बताया, आप चुनाव जीते हुए थे, तो चुनाव कैसे आपको हारा हुआ कब सिद्ध किया गया और किस तरीके से हराया गया, कुछ बताएंगे? चुनाव सर हम हारे हुए नहीं, ना हारा हूँ ना हारे हुए थे हम, चुनाव हमको हराया गया। वहाँ जितने भी अधिकारी थे कर्मचारी थे सब ने हमको सत्तावना दी कि आप चुनाव जीत चुके हैं, आप आराम से बैठिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप चुनाव जीत चुके हैं। और 11:30 बजे रात काउंटिंग बंद होती है, 11:30 बजे रात जब काउंटिंग बंद हो जाती है तो उसके बाद हमने आरओ साहब के पास गया, हमने कहा आरओ साहब हम लोग 3 रात से जगे हुए, आप ये बता दीजिए कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है कौन थर्ड है, तो हम लोग इसकी जानकारी हो जाए, हम लोग चले जाएँ घर, फिर उसके बाद आएंगे, फिर आएंगे सुबह आएंगे, जो कैंडिडेट फर्स्ट होगा वो आएगा सीधा यहाँ पे आएगा, उसके बाद सीधा जिला कार्यालय में चला जाएगा। लेकिन वहाँ आरओ साहब ने बोले कि बस 2 घंटे वेट करिए, ऐसे ऐसे करके पूरी रात दी और बस एक सत्तावना देते रहे कि हाँ अभी आ रहा रिजल्ट, अब आ रहा रिजल्ट, उसके बाद बता रहे कि ये आरओ साहब नहीं है, ये आरओ साहब जो लिस्ट तैयार किए थे वो लिस्ट अभी नहीं बनी हुई है, ऐसे ऐसे करके शाम कर दिए। शाम करके पता चला किसी और प्रत्याशी को जिता दिया जिसका कोई नामो निशान नहीं, ना तो पहले पे थे, ना दूसरे पे, ना तीसरे पे, पांचवे छठवे नंबर का कैंडिडेट पहले पे कैसे आ गए। आप कितने वोट से विजयी हुए थे? हम से 450 वोट से विजयी हुए थे, सेकंड वाले से 450 वोट से आप विजयी हुए थे। सेकंड वाले प्रत्याशी, थर्ड वाले प्रत्याशी, सभी लोग हमको बधाई भी दे दिए। उसके बाद आपको कब पता चला कि आप चुनाव आपको हरा दिया गया? उसके बाद हमको पता चला करीब 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद एसडीएम साहब जी रात में 8 बजे के बाद एसडीएम साहब जी आया, वो वहाँ पे अनाउंस करने लगे, जब घोषणा किए तो पता चला कि हम 61 वोटों से हार गए। इसकी शिकायत आप कहीं किए या आगे करेंगे क्या? इसकी कुछ शिकायत हम करेंगे मुख्यमंत्री जी के पास करेंगे, मंडल आयुक्त के पास करेंगे, चुनाव आयोग के पास करेंगे, हम इसकी शिकायत हर जगह करेंगे और हाई कोर्ट भी जाएंगे। और यही मेरा मुद्दा रहेगा कि हम यही बात को लेकर हम फिर से चुनाव लड़ेंगे। 2022 विधानसभा का चुनाव आने वाला है,
यही मुद्दा लेकर हम 2022 जैसे लोकतंत्र में स्वतंत्र व्यक्ति है तो आपकी आवाज को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा होगा। धमकी भी मिल रही है और लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या हो रही है, सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बताइए, अगला आदमी चुनाव जीत के दो दिन बैठा है, इंतजार कर रहा है, रिपोर्ट नहीं मिल रही है। अगर प्रशासनिक अमला आपके इस बातों को नहीं सुनता है तो अगली रणनीति और अगला कदम क्या होगा आपका? अगली रणनीति, अगला कदम हमारा यही होगा, मेन मुद्दा हमारा यही होगा, जो हमारे साथ गलत हुआ हम यही को मुद्दा बनाएंगे, यही को बेस बनाएंगे, यही बेस लेकर हम फिर से चुनाव लड़ेंगे। और हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, अगर सर नहीं पता तो आप लोग आगे खुद ही हमारे जनता से पूछ लीजिए कि जनता किसको वोटिंग की है। आप पूरा परिचय बताइए, अपना चुनाव निशान आपका क्या था और किस वार्ड से लड़े थे, कहाँ किस ब्लॉक में आपकी गिनती हो रही, थोड़ा बताने का प्रयास करें। मैं सूरज कुमार यादव अपनी माता जी को लड़ाया था, महिला सीट थी ओबीसी बैकवर्ड और चुनाव चिन्ह आरी ग्राम शेटापटी जिला प्रयागराज वार्ड नंबर 3 ब्लॉक बहरिया से मैं चुनाव लड़ा था। हम सर यही कहेंगे कि जो हो सके उचित निर्णय लिया जाए, जो सही हो सही का साथ दिया जाए। हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, मुझे लोकतंत्र पे भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा। हमें हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा। बस एक यही उम्मीद अब बची है, हम मुख्यमंत्री जी से शिकायत भी करेंगे और आज ही करेंगे शिकायत जाके, और हाईकोर्ट में भी अपील करेंगे। और जो कि महामारी कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, हाईकोर्ट बंद चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन हम शिकायत करेंगे, हर जगह हम शिकायत करेंगे।